हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज आपको एक खास किस्म की ट्रिक सिखाना चाहता हूँ एक्सेल में। क्या है वो ट्रिक, आइए देखते हैं। देखिए, ये एक्सेल ओपन है, आप चाहे एक्सेल का कोई सा भी वर्जन यूज करते हो, आपको ये ट्रिक वहां पर देखने को मिल जाएगी अगर आप एक बार सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करूंगा, इज इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ। तो जरा देखिएगा, एफ लिखने से एफ वाले सारे फॉर्मूलाज हाईलाइट हो रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको ओ, और जैसे ही एफ ओ लिखेंगे तो यहां पर देखिए एक फॉर्मूला आ रहा है 400 का। ये 400 का चक्कर क्या है, यहां पर देखिए हर एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 400। तो यहां पर अगर मैं 400 लगाता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 5 से, तो ये देखिए यहां पर ये टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब ये 400 का चक्कर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं कैसे ये किया गया है। ठीक है, जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैं ये हेडिंग कॉपी किया कंट्रोल सी और इसी को मैं पेस्ट करता हूँ अगले शीट पर। ठीक है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, कंट्रोल भी किया, अब यहाँ पर ही आ गया। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट का मैंने नाम लिख दिया, लाइक सपोज कीजिए माउस MOUSE, और माउस की जो प्राइस है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए माउस की प्राइस जो है यहाँ पे हो गई 300। ठीक है, 300 हो गई। अब यहां पर आते हैं, यहां पर मान लीजिए कीबोर्ड की भी प्राइस उतनी ही हो। ठीक है, और फिर इसी तरीके से केबल की भी प्राइस उतनी ही हो। तो तीनों की प्राइस देख सकते हैं 300 है। ठीक है, और यहां पर क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके यहां से मैं करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं, और यहां पे यूनिट चाहे तो कुछ भी डाल दीजिए आप। चलिए आगे आते हैं, और यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही मैं एफ टाइप करता हूँ और ओ टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 400 का फॉर्मूला आ रहा है। अब ये 400 का फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने वो आपको बताता हूँ। जैसे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले वाले को। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, फॉर्मूला स्टेप पे जाना है, डिफाइन नेम पे जाना है, और इसको डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैं इसे कर देता हूँ 300 HUNDREDS, हो गया 300। बस इस रेंज को मैंने 300 नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने 300 नाम दे दिया, और अब ये 300 का फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं THREE टाइप करता हूँ तो 300 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से और एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सेम उसी तरीके से आ गया, जो जैसा है उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।